तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रॉक के नाम से जाने वाले दीपक नंदा के बारे में। और इन्हें लोग इंडियन रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ना सिर्फ इनकी फिजिक बल्कि इनका पूरा स्टाइल पूरा लुक रॉक के जैसा है। इन्होंने टैटू भी एग्जैक्ट रॉक जैसा बना रखा है। दीपक ने खुद एक वीडियो में बताया कि इस टैटू को बनाने में पूरा एक वीक लग गया था और डेली उनकी 6 से 7 घंटे की सिटिंग होती थी इस टैटू के लिए। कितने घंटे का काम है? एक हफ्ता लगा था इसमें पूरा, यानी कि एक सिटिंग होती थी। जैसे चेस्ट की सिटिंग हुई तो एक दिन फीवर चढ़ता ही था तो रेस्ट होता था। फिर सेकेंडरी इसकी आउटलाइनिंग होती थी तो कह रहा आपका आर्म्स बड़ा है तो आउटलाइनिंग भी हो पाएगी आज। तो फिर सेकेंड डे फिर गया, फिर फिलिंग होती थी, फिर बैक। उसने फिर उस हिसाब से बनाया कि प्रॉपर रॉक को देख देख के उसने एक एक पॉइंट। मैंने कहा भाई इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो उसने कहा बिल्कुल ही बनाओ। दर्द बहुत, आधे पे सोचा था कि बस मन नहीं करता, बहुत हो गया रॉक, बस बस बस। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं दीपक इतना करा दिया, पूरा ही करा। फिर जब यहाँ हो जाता था फिर यहाँ भी ऐसा लगता था, फिर बैक पे ऐसा लगता था। लेकिन कुछ पार्ट जो ये है इन पे बहुत दर्द होता। ये है जो नेक पे चल रहा है ये अनलिमिटेड दर्द होता है, ऐसे ही नहीं लगा लगता था कि कोई ब्लेड से काट रहा है। अब बात करते हैं कि दीपक नंदा द इंडियन रॉक की शुरुआत कैसे हुई। दीपक नंदा का जन्म 16 फरवरी 1988 को दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हुआ और अपनी ग्रेजुएशन भी दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी। दीपक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे बट अपनी मेहनत और काबिलियत के बेस पर ये आज बहुत कामयाब बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल और एक जिम ऑनर हैं। तो जब ये छोटे थे सिर्फ 15 साल के तो इनको पैसों के लिए एक लोकल शॉप में क्लीनिंग का काम करना पड़ा क्योंकि उस टाइम इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी और इस वक्त ये 8th क्लास में थे और ये दीपक की पहली जॉब थी। दीपक इस जॉब में जो भी मिलता था वो अपनी पढ़ाई और वर्कआउट के एक्सपेंसेस को पूरा करने में यूज करते थे क्योंकि दीपक को बॉडी बिल्डिंग का बहुत कम एज से ही शौक था। ग्रेजुएशन के बाद दीपक की जॉब लग गई शॉपर स्टॉप में एज अ सेल्समैन। यहाँ भी दीपक ये जॉब अपनी बॉडी बिल्डिंग के पैशन को पूरा करने के लिए ही कर रहे थे। उसके बाद उनको फिटनेस इंडस्ट्री में फर्स्ट जॉब मिली एज अ फिटनेस ट्रेनर 2011 में। तो आप देख रहे हो गाइस कैसे दीपक रास्ते बनाते जा रहे थे और उनकी आंखें, उनका ध्यान सिर्फ उनके टारगेट पे फिक्स था। इसी दौरान फेसबुक के जरिए दीपक की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम रूपल है और उसी से उनकी शादी हो गई। दीपक नंदा बहुत कम एज से ही बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और इसीलिए उन्हें डाइट और न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी नॉलेज है और साथ ही उनकी वाइफ रूपल नंदा फैशन ब्लॉगर होने के साथ साथ न्यूट्रिशन की भी बहुत अच्छी नॉलेज रखती है और वो दीपक को उनकी डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड गाइड करती रहती है। दीपक अपनी वाइफ को एक तरह से अपना गुरु मानते हैं क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और बॉडी बिल्डिंग के लिए पुश भी करती हैं। दीपक की अगर बॉडी स्टैट्स की बात करें तो दीपक की हाइट 5 फुट 11 इंच है और इनका वेट कंपटीशन के टाइम पर 90 से 95 किलो के बीच रहता है बट ऑफ सीजन में जब ये गेन कर रहे होते हैं तो दीपक का वेट 108 किलो तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं दीपक नंदा द रॉक की अचीवमेंट्स के बारे में। तो गाइस वैसे तो दीपक नंदा ने बहुत सारी ट्रॉफीज और मेडल जीते बट अगर कुछ सबसे बड़े अचीवमेंट्स की बात करें तो मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया ऑल ओवर, मिस्टर दिल्ली, आयरन मैन इन 2017, एमेचर ओलंपिया, टॉप 5 इन 2017। दीपक नंदा के रास्ते में मुश्किलें बहुत आईं बट वो रुके नहीं और रास्ते बनाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और आज आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही कामयाब बॉडी बिल्डर हैं। इस टाइम पर दीपक फोकस कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनिंग्स पर और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पर और साथ ही दीपक एक जिम भी ओन करते हैं साउथ दिल्ली में जिसका नाम है बीस्ट जिम। तो गाइस आप भी इन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग्स के लिए और अगर सच बताऊं गाइस तो दीपक बहुत ही रेस्पेक्टफुल और जेन्युइन ह्यूमन बीइंग है। आप इनका कोई भी वीडियो या इंटरव्यू देखोगे तो आप खुद ही रियलाइज कर लोगे हाउ डाउन टू अर्थ ही साउंड्स। तो गाइज मुझे तो दीपक ने अपना फैन बना ही लिया है। आप भी कमेंट्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट में किसकी बायोग्राफी आपके साथ शेयर करूं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।